अमरोहा जनपद में हापुड़ जनपद की स्वास्थ्य विभाग टीम ने की छापेमारी। हसनपुर में अवैध रूप से बंद कमरे में चल रहा था भ्रूण लिंग परीक्षण सेंटर। दो बहू समेत 6 लोगों को पकड़ा गया और साथ ही छोटी अल्ट्रासाउंड मशीन, इन्वर्टर बैटरी भी की गई बरामद। आपको बता दें कि हापुड़ जनपद में प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टीम के प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना, हरियाणा प्रदेश के सोहना निवासी एक गर्भवती महिला हापुड़ शहर में स्थान पर भ्रूण लिंग की जांच कराने के लिए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर ही टीम सतर्क हो गई। इसके बाद डॉक्टर दिनेश खत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाँ, ये पूरा मामला माननीय प्रधानमंत्री जी के जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, उसके तहत हम लोग भ्रूण लिंग जांच करने वाले जितने भी सेंटर हैं या लोग अपने मोबाइल से, अल्ट्रासाउंड मशीन से या अन्य यंत्रों से जो सेक्स डिटेक्शन कर रहे हैं, उसकी रोकथाम हेतु हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि हापुड़ में इस तरह की कोई कार्रवाई होने जा रही है, तो हमने उस पर ही अपना ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन वो वहाँ ना होते हुए मरीज को इधर यहाँ पर अमरोहा के हसनपुर के पास लेके आया है, जहाँ यहाँ पर एक व्यक्ति जो झोला छाप है उसके पास एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन मिली, जिसके द्वारा इसने यहाँ पर पूरा इसका महिला का भ्रूण लिंग जांच करी और इसको लिंग के बारे में बताया। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जैसा कि हम लोग इससे पूछ रहे हैं कि मशीन कहाँ से मिली और ये सब क्या है, तो इन्होंने यहाँ पर कोई एक लोकल संचालक है अल्ट्रासाउंड मशीन का, और उसका इन्होंने नाम बताया है, जिसको हम लोग जांच के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। क्या नाम? कोई मिस्टर वैद्यनाथ नायक का इन्होंने नाम लिया है, और जिसपे हम लोग अपने यहाँ के जो नोडल हैं उनसे बात करेंगे, वो इस तथ्य पे पूरी जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। कोतवाली में पकड़े गए महिला और अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, और साथ ही बताते चलें कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ही यह गोरख धंधा फल फूल रहा है, क्योंकि पहले ही हरियाणा की टीम ने ही अमरोहा में छापेमारी करके ऐसे सेंटर का पर्दाफाश किया था, लेकिन अमरोहा स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगती है। तो ये थी अमरोहा से हमारे संवाददाता चमन हैदर की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।